गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है ओवरहेड्स। आपने मटेरियल पढ़ा, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, अब आप पढ़ेंगे ओवरहेड्स। फ्रेंड्स, ओवरहेड समझने से पहले आपको थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। हमने बताया था आपको कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए हम एक काम करते हैं, हम कॉस्ट से ही शुरू करते हैं। कॉस्ट में हमारे मेजरली तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज में। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसेस। हर एलिमेंट के दो पार्ट हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे मटेरियल की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो बन जाते हैं हमारे प्राइम कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये हमारे होते हैं ओवरहेड्स। मतलब अब आपकी कॉस्ट में दो ही चीजें हैं, एक तो प्राइम कॉस्ट और एक ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स किस डिपार्टमेंट में खर्च किए गए हैं इससे फर्क पड़ता है। जैसे आपने मान लीजिए, एक तो आप खर्च कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में, दूसरा आप खर्चते हैं ऑफिस में और तीसरा आप खर्च करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में करेंगे वो तो हो जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जो ऑफिस में खर्च करेंगे उन्हें कहेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और जो सेल्स डिपार्टमेंट में करेंगे उन्हें हम कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। सो अब इन ओवरहेड्स को हम कैसे एलोकेट करेंगे, क्या क्या इसका पार्ट है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी फिर कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट वो सपोर्ट करते हैं, उनको सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए, सो ओवरहेड्स थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। ओवरहेड्स क्या हैं? ओवरहेड्स आर एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी कन्वीनियंसली ट्रेस टू और आइडेंटिफाइड विद एन पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। मतलब वो पर्टिकुलरली किसी डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स आ जाते हैं एंड सेलिंग ओवरहेड्स आ जाते हैं। अगर नेचर की बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब जो प्रोडक्शन से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं एंड सेमी वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है आपका ओवरहेड बढ़ते जाते हैं, और सेमी वेरिएबल का मतलब उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पार्ट होते हैं। एलिमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो इसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल खर्चे दोनों ही इंक्लूड होते हैं। कंट्रोलेबल खर्चे कौन से हैं? जिनको आप अगर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप कर किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आती है अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की आप बुकिंग कर देते हैं, इसके बाद उनको एलोकेशन करना होता है। तो एलोकेशन कैसे होती है ये समझिए।
सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं? जनरली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फॉर्म्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ टोटल ओवरहेड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सच ओवरहेड्स शुड बी प्रॉपरली अब्सॉर्ब्ड। तो पहले स्टेप्स क्या रहेंगे? एक तो एस्टिमेशन एंड कलेक्शन, कितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, और दूसरा रहेगा आपका कि भाई इनके आपके इफेक्ट को आपने प्लेस करना है, ठीक है जी। तो अब आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में एक आ गया एस्टिमेशन एंड कलेक्शन, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कलेक्शन। दूसरा आ जाएगा असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। असाइनमेंट में अब एक आ जाएगा कॉस्ट एलोकेशन, जो खर्चे एलोकेट करेंगे। नंबर टू क्या कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, जो मतलब लमसम खर्चे होते हैं उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अपॉर्शन कर देना। और तीसरा होता है री अपॉर्शनमेंट, ठीक है। नंबर थ्री एब्जॉर्प्शन एंड नंबर फोर ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का ओवरहेड्स का क्या रहेगा, ठीक है। तो ये समझिए, कॉस्ट एलोकेशन हो गया। द टर्म्स एलोकेशन रिफर्स टू डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव जहाँ आ रहा है वो प्रोडक्ट से आप मान के चलिए, विच कैन बी ट्रेस डायरेक्टली। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में क्या है? देयर आर सम आइटम्स एस्टिमेटेड ओवरहेड्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। सच अनएलोकेटेड एक्सपेंसेज हैज़ टू बी स्प्रेड ओवर वेरियस डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। इनको हम कहते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, ठीक है ना। रीअपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट उनका है जिनमें आप बेसिकली अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट हैं जो सपोर्ट उसमें जा रहे हैं उनकी आप वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपॉर्शनमेंट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब आती है बात कि भाई इनके खर्चों को एलोकेट कैसे होना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टेक नोट इट। ओवरहेड और उनका बेसिस, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, फायर प्योरिफिकेशन, एयर कंडीशन, ये सारे हमारे फ्लोर एरिया से जाएंगे। जो सैलरी से रिलेटेड आइटम्स हैं वो हमारे नंबर ऑफ वर्कर से जाएंगे, जैसे कंपेंसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, ये डायरेक्ट वेजेस रेशियो में जाएंगे। जनरल ओवरहेड्स आप किसी भी रेशियो से जा सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर से, डायरेक्ट वेजेस से और मशीन आवर से। फिर ये डेप्रिशिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, वो आप उनकी एसेट्स की कैपिटल वैल्यू के रेशियो में बांट सकते हैं। पावर स्ट्रीम्स वगैरह जो हैं ये आपकी टेक्निकल एस्टीमेट्स दे रखे होते हैं। लाइटिंग वगैरह नंबर ऑफ पॉइंट से, इलेक्ट्रिसिटी हॉर्स पावर से या नंबर ऑफ मशीन आवर से या वैल्यू ऑफ मशीन। मटेरियल हैंडलिंग वेट या वॉल्यूम से ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आती है अगला कॉन्सेप्ट है, वो है री अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, री अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है कि आपके एक तो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो सपोर्ट डिपार्टमेंट हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हुआ, एचआर डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, ये सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड खर्चे डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट पे बाद में जाके एलोकेट करने ही होते हैं। सो द रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं और इनके बेसिस दिए, जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप्स हैं तो वो डायरेक्ट लेबर आवर मशीन आवर्स पे कर सकते हैं। प्लानिंग एंड प्रोग्रेस है तो डायरेक्ट वेजेस पर, ठीक है ना। कैंटीन है तो नंबर ऑफ वर्कर, हॉस्पिटल है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई, टाइम कीपिंग है तो नंबर ऑफ कार्ड पंच,
कंप्यूटर सेक्शन है तो कंप्यूटर आवर से, इस तरीके से हर क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, ठीक है। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास जो मेथड ऑफ अपर्समेंट की बात आती है, वो हमारी तीन मेथड दी है उन्होंने, ठीक है, उसको करते हैं और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अगर हम मेथड ऑफ अपर्समेंट की बात करेंगे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ अपर्समेंट, इसमें एक है आपकी डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरी है स्टेप मेथड, और इसको हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तीसरी है आपकी रेसिप्रोकल मेथड, और अब इसके भी तीन पार्ट हैं। इसमें पहली है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरी है ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स, ओवरहेड्स को एलोकेट करने की ये कुछ मेथड्स हैं, उसके बेसिस पर फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसके बाद अगले कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो पहले हम एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पढ़िए ये क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सेल लिमिटेड हैज थ्री डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फोर सर्विस डिपार्टमेंट। The expenses of these department are as under, ठीक है, following information is also available, number of horsepower दे रखे हैं, number of worker दे रखे हैं, value of store requisition दे रखा है, so apportion the cost of service department over the production department। तो friends, अब हमारे को ये production department में खर्चे बांटने हैं, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। यहां पे लिखेंगे हम और ये हमारे तीन डिपार्टमेंट हो जाएंगे ए बी सी। यहाँ पर आएगी अमाउंट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बेसिस और यहाँ पर पर्टिकुलर। अब जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, शुरू में बांटा है, उसके हिसाब से हमारे जो ए बी सी के अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 30,000, 26,000 एंड 24,000। सो दिस इज 30,000, 26,000, 24,000। अगर इसका टोटल करें तो ये आ जाता हमारा 80,000। अब हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं चार, सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें तो एक हमारा है स्टोर, दूसरा है हमारा टाइम कीपिंग,
तीसरा है हमारा पावर और चौथा है हमारा कैंटीन। और इनकी अमाउंट दे रखी है, स्टोर की अमाउंट है 4,000, टाइम कीपिंग की अमाउंट है 3,000, पावर की अमाउंट है 1,600 एंड कैंटीन की अमाउंट है 1,000। अब आपको ये बेसिस देखना है, तो अब आप रेलेवेंट बेसिस देखिए, अगर स्टोर है तो कौन सा ज़्यादा बेसिस अच्छा रहेगा, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन है ना, तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। इनका रेशियो क्या है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है 2500, तो 5:3:2, 5:3:2, तो ये 2000, 1200 और 800, ये बट गया। अब टाइम कीपिंग की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो बन रहा है 4:3:3, तो 1200 900 900। अब पावर की बात करें तो ये हमारे हॉर्स पावर दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसके बेसिस पर बढ़ सकते हैं। हॉर्स पावर हमारा जो रेशियो है वो 3:3:2, सो 3:3:2, 600 600 400। और कैंटीन को हम नंबर ऑफ वर्कर से शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज 4:3:3, 400 300 300, ठीक है जी। अब आप इसको कर दें टोटल, ये आ रहा है 89,600, जिसमें से 34,200, 29,000 एंड 26,400, ये आपके ABC के आपके खर्चे हो गए। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन कर दिए। सेकंड मेथड हमारी कौन सी है, सेकंड मेथड है हमारी स्टेप मेथड, ठीक है। तो अब हम स्टेप मेथड से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई आर एज अंडर। अब यहां पर अपॉर्चुनमेंट की एलोकेशंस भी दे रखी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे ए बी हैं और सर्विस डिपार्टमेंट हमारे एक्स वाई हैं। चलिए तो इसको बांटते हैं, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी अब स्टेप मेथड है। इसको नॉन रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब है ये दोबारा एक दूसरे में नहीं जाएंगे। ये हमारे ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और एक्स और वाई हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं। तो जो अमाउंट गिवन है वो दे रखी है कितनी, 2,000 1,500 3,000 and 3,200, ठीक है। अब जो एक्सपेंसेस एक्स के बटने हैं वो तो वाई में जाने हैं और वाई के सिर्फ एक्स ए और बी में जाने, तो पहले एक्स के बांट दीजिए। तो हम करेंगे एलोकेशन ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, ये -2,000 हो जाएगा और ये 500 800
700 हो जाएगा। तो अब एक्स को बांटने के बाद बैलेंस कितना बचा, ये निल हो गया, ये 2000 हो गया, ये 3800 हो गया और ये 3900 हो गया। अब हम करेंगे एलोकेशंस ऑफ बाय डिपार्टमेंट। तो बाय डिपार्टमेंट के इन्होंने बोला था कि 40% एंड 60% बांट दीजिए। तो फाइनली जो अमाउंट है एक्स और वाई से तो ख़त्म हो जाएगी और ये इनमें पहुंच जाएगी, ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है जी। अब जो तीसरी मेथड है उसे हम रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं। उस रेसिप्रोकल मेथड में सबसे पहले हम साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली मेथड करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड में ये क्वेश्चन हम करते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग इज द सर्विस डिपार्टमेंट, बॉयलर एंड पंप दे रखा है और एलोकेशन है। देखिए अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जब बॉयलर के खर्चे हो रहे हैं तो वो पंप में जा रहे हैं और पंप के खर्चे बॉयलर में जा रहे हैं, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें देखिए गौर से, एक्स के खर्चे बाई में जा रहे हैं बट बाई के खर्चे एक्स में नहीं जा रहे। अगर बाई के खर्चे एक्स में जा रहे होते तो फिर ये रेसिप्रोकल बन जाता। ठीक है, अब इसमें साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस इज बी एंड द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप हाउस इज पी। यही है। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से बॉयलर में जो भी उनकी एलोकेशन है प्लस पंप से भी पैसा आना है, यही है ना। सो फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बी इज इक्वल टू 3000 प्लस वन हाफ ऑफ पी एंड पी इज इक्वल टू 600 प्लस 5% आना है यानी कि 1/20th ऑफ बी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई और ये इक्वेशन टू हो गई। पुट दी वैल्यू ऑफ पी इन वन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बी इज इक्वल टू 3000 प्लस वन हाफ इंटू 600 प्लस 1/20th बी। तो इसको करेंगे और सॉल्व तो ये आ जाएगा 3000 प्लस 300 प्लस 1/40 बी और 39/40 बी इज इक्वल टू 3300। ठीक है, सो वी निकल आएगा हमारा, बी आ जाएगा 3385। सो सिमिलरली हम लोग पी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल कम 769। ठीक है, अब बात आती है एलोकेशन की। तो ये हमारे ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बॉयलर के हम बांटेंगे 3385 और पंप के बांटेंगे हम 769। ए में कितना बटना है,
ए में बटना है 60% एंड बी में बटना है 35%। तो 60% आएगा 2031 एंड 1185, 60:35 के रेशियो में बटेगा, और यहाँ बटेगा हमारा किस रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, 10:4 के रेशियो में। सो दैट विल बी 77 एंड 307। तो जो टोटल अमाउंट आएगी ये आएगी 2108 एंड 1492, 3600। साइमल्टेनियसली इक्वेशन जो मेथड है वो आज की नहीं है, वो आप लोग बचपन में से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो पहले हम लोगों ने एलजेब्रा में पढ़ी थी उसे, अब हम उसे बाकायदा अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा। चलिए तो रेसिप्रोकल में अब हम सेकंड मेथड लेंगे, रेसिप्रोकल जो मेथड है, जो तीसरी मेथड है उसके अंदर अब हम बी मेथड लेंगे, वो है हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर जैसा उसका नाम दिया है कि बार बार आप एक ही चीज़ को करो तो उससे आपका एलोकेशन निकल आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन ले लीजिए, आप पढ़िए क्या लिखा है। पीएच लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। अब इनकी पूरी डिटेल दे रखिए, सर्विस डिपार्टमेंट के परसेंटेज बांटने के लिए दिया है, तो जब एक्स को बांट रहे हैं तो बाई में जा रहा है, और जब बाई को बांट रहे हैं तो एक्स में जा रहा है, यही रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि इसको आप एलोकेट कर दीजिए, तो स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करिए, स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए एंड मशीन आवर रेट निकालिए। चलिए वो हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम ट्रायल एंड एरर से निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपके ए बी सी एक्स और वाई है। ध्यान दीजिएगा कि एक्स और वाई में जो मटेरियल है वो भी आपका ओवरहेड्स है, ये आपके हो गए बेसिस और ये हो गई आपकी अमाउंट। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ए बी के ओवरहेड्स में नहीं आएगा, बट जो एक्स और वाई के हैं वो ओवरहेड्स में आएंगे। तो एक्स और वाई के कितने हैं, 2000, 1000 और 1000, 2000, 2000, 1000 एंड 1000, 2000। बच्चे यहाँ गलती कर देते, वो कहते सर डायरेक्ट मटेरियल तो हम लेते ही नहीं हैं, बट फ्रेंड्स डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट का नहीं लेते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब हम सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें, तो सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास हैं, एक तो फैक्ट्री रेंट है, दूसरा हमारे पास पावर है, तीसरा है डेप्रिसिएशन और चौथा है अदर, यही है। इनकी अमाउंट लिख लें, 4000, 2500, 1000 एंड 9000। 4000, 2500, 1000 एंड 9000। फ्रेंड्स अब आप याद रखिए कि जो फैक्ट्री रेंट है वो तो हमारा एरिया में बढ़ जाएगा, और एरिया में दे रखा है,
तो ये हमारा बढ़ जाएगा एरिया से। डेप्रिसिएशन किस में बढ़ जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन में कैपिटल वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। पावर जो है, अगर क्वेश्चन में मशीन आवर और हॉर्स पावर दोनों दे रखे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मशीन आवर और अगर हॉर्स पावर दोनों दे रखे हैं तो पावर आएगी हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर के रेशियो में। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है जी। और अदर जो रहेगा वो आपके मशीन आवर के रेशियो में चला जाएगा, ठीक है जी। एलोकेट कर दें आप, ये हमारा 5:10:5:10:5:10 एरिया, एरिया को एलोकेट करेंगे तो दैट कम्स टू हाउ मच, 1500, ठीक है जी। एक वर्किंग नोट बना लीजिए, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स जो निकलेंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर, ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 80,000, 50,000, 80,000, सी का 80,000, डी एक्स का 15,000 और वाई का 25,000। तो पावर का जो रेशियो रहेगा वो ये रहेगा, अमाउंट बटेगी इसमें, दैट विल बी 500, 800, 800, 150, 250। कैपिटल वैल्यू के हिसाब से बांटेंगे तो ये आएगा 200, 400, 200, 100, 100। और मशीन आवर के रेशियो के हिसाब से बांटेंगे तो ये आएगा 1000, 2000, 4000, 1000, 1000, ठीक है। सो अब जो x और y के जो खर्चे आ रहे हैं, इधर तक का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 16,500, जिसमें से a को 2700, 3700, 6000, 4750 एंड 5350, ये हमारे अभी एलोकेट हो गए। अब ये जो 4750 एंड 5750 है, दीज, ये हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट टू बनाएंगे हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, और ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर से करें तो ये हमारे एक्स और वाई हैं, ठीक है जी। और ए और बी, यहाँ पर ए बी सी है बट आना नहीं है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम करते हैं तो ये अमाउंट आ रही 4750 एंड 5350, ये आपने निकाली थी ना अभी। अब देखिए, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब तो वाई को कितना मिलता है, 10%। एक्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ से तो कम हो जाएगा और यहाँ पर 10% पहुँच जाएगा। अब ये हो गया हमारा हाउ मच, 5350 प्लस 475, ये हो गया 5825।
अब हम वाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जब वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 5% इनके पास जाएगा, तो ये होगा 291। अब दोबारा से फिर से x को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इसका 10% इनके पास पहुंचेगा, ठीक है जी। और अब फिर से y को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इसका 5% इनके पास आएगा, वैसे तो 1.40 रुपये आने पड़ती है। सो टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूशन करने पे सो फाइनली क्या आ रहा है, इनके पास 4750 और 5350 था, इन्हें पहले 475 मिले, फिर 29 मिले, इनको पहले 291 मिले और फिर 2 रुपये मिले। तो 5043 एंड 5854 ये आपके अमाउंट हुए, अमाउंट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सही है। अब ये आप इन्हें बांट दीजिए 5043, सो डिपार्टमेंट एक्स के आप बांटिए ने 5043, ठीक है, और डिपार्टमेंट वाई के आप बांटिए कितने 5854। किस रेशियो में बटेंगे, ये बटेंगे 45:15:30, 45:15:30, और दूसरे 60:35, ये दो रेशियो में बढ़ जाएंगे, तो इसमें आएगा 2269 756 1513 एंड 3513 2049 डेस। तो फाइनल जो एलोकेशंस आई वो ये आ गई, 8482 6505 and 7513, ठीक है, ये हमारी फाइनल एलोकेशन आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने सिर्फ एक्स और वाई के आपस में करते हैं। अब जब हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम पूरे तीनों में बार बार एलोकेशन करेंगे। चलिए वो अगली मेथड में हम उसको भी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा बट इसी को हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। सो अब हमारी तीसरी मेथड जो है रेसिप्रोकल मेथड, और उसका भी अब थर्ड मेथड वो हमारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम सेम लेते हैं, फर्स्ट एलोकेशन तो हमारी जो पहले हुई थी वैसे ही हो जाएगी, अगली एलोकेशन के लिए हमें चाहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट एलोकेशन हम पुरानी ले लेते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी,
ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट बेसिस ए बी सी एक्स वाई, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है जी, यहाँ लिख दीजिए अमाउंट, यहाँ लिख दीजिए बेसिस। सो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्ट के जो हैं वो तो नहीं आएंगे, और सर्विसेज के आ जाएंगे। चलिए फिर फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन एंड अदर ओवरहेड्स, ये हमारी अमाउंट है 4,000, 2,500, 1,000 एंड 9,000। तो बेसिस रहेगा ये एरिया, ये हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, ये कैपिटल वैल्यू और ये आपका मशीन आवर्स। ठीक है, इसके हिसाब से हम एलोकेट करते हैं, तो ये 1,000, 500, 1,000, 500, 1,000, इसके हिसाब से हम एलोकेट करते हैं, तो ये 500, 800, 800, 150, 250, अगर हम इसके हिसाब से एलोकेट करते हैं तो 200, 400, 200, 100, 1,000, 2,000, 4,000, 1,000, 1,000। इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये वही पुराना जो क्वेश्चन था उसी को किया हमने। तो ये एलोकेट होके हमारी वैल्यू आ रही थी 2,700, 3,700, 6,000, 4,750, 5,350। अब आई इसमें रिपीटेड एलोकेशन। अब हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अब हमें करना है। सो इसी में अब हम लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है जी, सर्विस डिपार्टमेंट की अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए पहले हम एक्स डिपार्टमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक्स डिपार्टमेंट हमारा अमाउंट कितना है 4,750, तो ये 4,750 करेंगे हम। यहाँ पे 10% जाएगा 475, इसमें भी बटेगा 2,138,712,1,425। ठीक है जी, तो अब इसके बाद जो बाई डिपार्टमेंट होगा उसको हम एलोकेट करेंगे, तो वाई का इसके बाद टोटल हो जाएगा 5,825। तो ये पूरा 5,825 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 291,3,495,2,039-10। अब देखिए एक्स और वाई को बांटने के बाद यहाँ पर कितना टोटल आ गया ज़रा देख लीजिए। मैं वैसे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा समझाने के लिए कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 8,333, यहाँ पर टोटल आ गया 6,451 और ये आ गया 7,425, ये 291 और ये नील। ठीक है जी, अब दोबारा से हम x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 131,44,87,29, तो ये -291 खत्म।
अब वाई के पास पहुंच गए तो वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वाई से 29 निकलेंगे और यहाँ जाएंगे कितना, 17 इसमें, 10 इसमें, डेस और इसमें 2 बचेगा। अब वाई खत्म हो गया, वाई का 0 हो गया। अब यहाँ पर वापस एक्स के पास 2 रुपये बच गए, तो फिर से एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 रुपये हम इसमें दे देते हैं, 1 रुपये किसी और में दे देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये तो हो गए निल, और इसका बैलेंस कितना आएगा, 8482 6505 and 7513। अब आप ये टोटल अमाउंट आ गई। मशीन आवर कितने हैं हमारे पास, इसके हैं 1000, इसके हैं 2000 और ये है 4000। तो मशीन आवर रेट क्या आएगा, 8.482 3.25 and 1.88, ये मशीन आवर का ओवरहेड का रेट आ गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था कि भाई मशीन आवर का रेट निकालिए, यही था। तो मेरे ख्याल से ये आपके ओवरहेड की एलोकेशंस आपको बड़ी कंफर्टेबली समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।